अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज हम सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर टवेल्व इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम लॉ को स्टडी करने जा रहे हैं लॉ हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बुनियादी प्रिंसिपल है और गाज़ लॉ की मदद से हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हैं लॉ की मुख्तलिफ एप्प्लीकेशनज़ हैं और उसकी एप्लीकेशन क्या है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ सर्टेन पॉइंट तो आज हम गाजेज ला की स्टेटमेंट उसकी एक्सप्लेनेशन उसके प्रूफ को पढ़ते हैं और साथ में हम उसकी एक एप्लीकेशन को भी स्टडी करते हैं गाजेज ला क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स so any closed surface is equal to 1 over epsilon naught times the charge enclosed by डेट सर्फेस ये गाजेज ला की स्टेटमेंट है इसके स्टेटमेंट क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लैक्स थ्रू एनी क्लोज सर्फेस गाजेज ला इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सर्फेसिज और क्लोज सर्फेस वो किसी शेप की भी हो सकती है दैट इज इक्वल टू वन ओवर एप्सिलाट मल्टीप्लाइड बाई चार्ज इन क्लोज्ड इन क्लोज मीन्स द चार्ज इन क्लोज विद इन द क्लोज सर्फेस के क्लोज सर्फेस के अंदर कितना चार्ज है उसके लिए लफ्स इनक्लोज इस्तेमाल करते हैं अगर मैं इसके प्रूफ में आ जाऊं हम कहते हैं सपोज़ हमारे पास ये कोई गाजिया ये सरफेस है कोई क्लोज सरफेस है इसमें चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्यू वन पड़ा है Q2 पड़ा है q3 है q4 है q5 q6 q7 qn तक इस क्लोज सरफेस में n चार्जेस हैं 1 2 3 4 5 n तक अगर मैं फ्लक्स देखूं फ्लक्स थ्रू सरफेस ड्यू टू q1 इज ये हम बेसिक टॉपिक्स में लास्ट टॉपिक्स में हम पढ़ लेते हैं पहले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से किसके इक्वल होता है Q1 वन डिवाइडेड बाई एप्सिला नाट इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज 2 इज इक्वल टू Q2 टू डिवाइडेड बाई एप्सिला नाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज n इज इक्वल टू क्यू एन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट अब तमाम पॉजिटिव चार्जेस हैं तमाम की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा आउटवर्ड तो हम फ्लक्स को टोटल फ्लक्स मालूम करने के लिए हम इंडिविजुअल एक एक चार्ज के फ्लक्स को आपस में ऐड करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव एन फाई वन है क्यू वन डिवाइडेड बाई फाइव टू है क्यू टू डिवाइडेड बाई एप्सिला नाट फाइव एन है क्यू एन डिवाइडेड बाई एप्सिला नाट अगर मैं वन ओवर एप्सिला नाट को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्या आ जाएगा क्यू एन तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा वन ओवर एप्सिला नाट मल्टीप्लाइड बे क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू वन दैट इज़ द टोटल चार्ज इन क्लोज्ड बाई दैट क्लोज सरफेस तो इसके लिए मैं कौन सा लफ्स लिख देता हूँ चार्ज इन तो ये हमारे पास वो गाज इजला का प्रू है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सर्फेस किसी शेप की क्लोज सर्फेस होनी चाहिए उसमें से फ्लक्स क्या है वन ओवर एप्सिला नाट मल्टीप्लाइड वे चार्ज इन पे डिपेंड करता है अगर कोई चार्ज यहाँ पे बाहर पड़ा हो इधर पड़ा है यहाँ पे पड़ा है इसका उस गाजेज ला के फ़्लक्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है उस क्लोज सरफेस से जो फ़्लक्स होगा जो चार्ज उसके अंदर है उस पर डिपेंड करता है जो चार्ज आउटसाइड द सर्फेस होता है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता अगर मैं एक एम सी क्यू दे देता हूँ कि फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई एक क्लोज सर्फेस है इसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है और एक प्रोटॉन पड़ा है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है माइनस सी प्रोटॉन पे चार्ज है प्लस सी बताएं इस सरफेस में से फ़्लक्स कितना होगा देखिए नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी इनवर्ड इसका फ्लक्स इनवर्ड पॉजिटिव की वजह से फ्लक्स क्या आ जाएगा आउटवर्ड अगर हम इसको ऐड करेंगे जितना नेगेटिव के लिए इनवर्ड होगा उतना पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड नेट फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो ये तो उसको फिजिकली हम इंटरप्रेट करें अगर मैं इस फार्मूले से डिस्कस करूं, चार्ज इनक्लोज किसके बराबर है पॉजिटिव प्रोटॉन पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज दोनों को ऐड करेंगे नेट चार्ज क्या आ जाएगा ज़ीरो अगर नेट चार्ज ज़ीरो है चार्ज इनक्लोज ज़ीरो है यहाँ पे ज़ीरो तो फिर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या आ जाएगा नेट फ्लक्स जीरो है जितना फ्लक्स इनवर्ड है उतना ही फ्लक्स उसमें से आउटवर्ड अगर हम इसकी एप्लीकेशन में देखें गाजेज ला को अप्लाई करने के लिए हम हमेशा गाजियन सर्फेसेज लिया करते हैं क्योंकि गाजेज ला कहाँ पे अप्लाई होता है फॉर एनी क्लोज सरफेस अगर क्लोज सर्फेस नहीं है कोई क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस करना चाहते हैं हमारे पास यूं करके एक ओपन सर्फेस है फ्लैट शीट है क्लोज सरफेस नहीं है फिर वहाँ पे हम क्लोज सर्फिस स्पोज करते हैं और वो जो स्पोज़ करते हैं टू अप्लाई द गेज ला दीज इमेजनरी क्लोज सर्फेसिज आर कॉल्ड गाजियन सर्फिज गाजियन सर्फसेस क्या होती हैं इमेजनरी हैं इमेजिनरी सरफ़ेस हैं क्लोज सर्फेसिज होती हैं ऑफ एनी सिमेट्री, वो किसी शेप में भी हो सकती हैं वो क्वेश्चन की नोयत के मुताबिक है कि हमें सफेरिकल क्लोज चाहिए हमें सिलेंड्रिकल क्लोज चाहिए हमें रेक्टेंगुलर क्लोज चाहिए किस किस्म की सरफ़ेस चाहिए तो गाजेज ला की जब हम थ्री एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं तो एक एप्लीकेशन में हम सफेरिकल सरफेस लेते हैं दूसरी एप्लीकेशन में हम सिलेंड्रिकल सरफेस लेते हैं और थर्ड एप्लीकेशन के अंदर हम उसकी रेक्टेंगुलर बॉक्स एक सर्फेस लेते हैं यानी वो किसी सिमेट्री की हो सकती है क्लोज होनी चाहिए और इमेजनरी होती है टू तो अप्लाई द गाजेज ला वी इमेजन द सर्फिज दीज सर्फसेज़ आर कार्ड गाजियन सर्फिस गाजिज़ ला की फर्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशंस ऑफ गाजेज ला फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द हाल चार्ज्ड को सफेर कोई एक सफ़ेर है यूं करके ये एक सफ़ेर है हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि एक चार्ज सफ़ेयर है अंदर से हालो है खोखला है आप उसके अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करें फ़र्श करें हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी जो हमें सफ़ेयर दिया गया था उस सफ़ेयर का रेडियस कितना है उस सफ़ेयर का रेडियस है हमारे पास आर हमने जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है उसी पॉइंट से हम एक गुजरती हुई एक गाजियन सरफेस ड्रा करते हैं इसके एग्जांपल ले लें जैसे फ़ुटबॉल है फ़ुटबॉल के बाहर उसकी ये लेयर है फ़ुटबॉल के अंदर हमेशा उसका बारीक सा ब्लेडर होता है जो उसके अंदर वो भी ऐसे ही होता है वो भी सेफेरिकल सीमिट्री में है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही एक सफेरिकल सिमेट्री के अंदर अंदर एक गाजियन सरफेस सपोज करते हैं हम ये कह देते हैं कि ये एक गाजियन सरफेस है अब ये जो गाजियन सरफेस है ये गाजियन सरफेस इस पॉइंट से गुजरती है जिस पॉइंट में से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मालूम करना है। सफेरिकल शेप में है और गाजियन सरफेस का हम रेडियस कितना ले लेते हैं उसका आर प्राइम सच दैट आर प्राइम इज लेस देन आर यानी गाजियन सरफेस उसके अंदर है द रेडियस ऑफ द गाजियन सरफेस इज स्मॉलर एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ दैट सफेयर अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गाजियन सरफेस इज गाजियन सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय बाई नॉट नाट ये है हमें पता है कि गाजियन सरफेस के अंदर चार्ज है, कोई नहीं पड़ा देखें गाजियन सरफेस ये है इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है अगर चार्ज इनक्लोज ज़ीरो है हम जीरो यहाँ पे पुट करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा ज़ीरो ओवर एप्सिला नाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा उससे गुजरने वाला जीरो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर है ई e ए के इक्वल है और यहां पे इस केस में हेयर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो ई और ए का प्रोडक्ट जीरो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है हमारे पास जीरो अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट ज़ीरो है आइदर ई इज़ जीरो और ए इज़ ज़ीरो अगर हम एरिया ज़ीरो करते हैं तो फिर तो इसका मतलब है हमारे पास सरफेस है ही नहीं हमारे पास सरफेस एग्जिस्ट ही नहीं करती इट मीन्स कि हम उसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो ज़ीरो हो सकती है एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस का भी ज़ीरो नहीं हो सकता तो हम लिख देते हैं कि एज एरिया इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो सो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है ज़ीरो अगर गाजियन सरफेस का एरिया ज़ीरो नहीं है क्योंकि एरिया सरफेस का कभी भी जीरो नहीं हो सकता अगर एरिया ज़ीरो नहीं है तो लाजमी बात है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी हमारे पास ज़ीरो तो हेंस हम कह देते हैं कि हेंस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन साइड द हालो चार्ज इज ऑलवेज ज़ीरो उसके अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी वो ज़ीरो होगी अगर मैं इसका ग्राफ प्लाट कर दूं, हम इस साइड पे उसका आर ले लेते यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को अगर हम इसका ग्राफ देखें ये है हमारे पास वो सफ़ेयर जिस सफ़ेयर के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे ये यह ओरिजिन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह इसका क्या आ जाएगा ये जो उसका रेडियस है वो किसके बराबर है इसका रेडियस कैपिटल आर के इक्वल है अब हमें पता है कि विद इन द रेडियस रेडियस के अंदर अंदर इन साइड द सफ़ेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमेशा ज़ीरो होती है उसके लिए ग्राफ ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो और उसकी सरफ़ेस के ऊपर सरफेस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके बराबर है सरफेस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसके बराबर है और पूरी सरफेस पे आर सेम है तो पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी तो उसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास वो ये है किसके इक्वल है वो इतनी है अगर हम सरफेस से उससे आर को इंक्रीज़ करते हैं फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या करती है वो वन ओवर आर स्क्वायर को फॉलो करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यूं करके क्या करेगी वो डिक्रीज़ होती है वन ओवर आर स्केयर से कम होती है तो ये हमारे पास है कि जब तक उसका रेडियस देखें इस आर के बराबर है यहाँ से यहाँ तक मीन्स के इन साइड द सर्कल इन साइड द सफ़ेयर उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है ज़ीरो उसकी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है हमारे पास यहाँ पे देखते हैं इतनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है और जो ही हम उसके सरफेस से हम सफ़ेर से दूर जाते हैं फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वन ओवर आर स्केयर से इनवर्स स्र ला से कम होती जाती तो ये हमारे पास वो काज ला की पहली एप्लीकेशन है तो पहली एप्लीकेशन में नेट कंक्लूजन क्या आया कि इनसाइड द सफ़ेरिकल शेल सफेरिकल शेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़ीरो होगा जो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स होगी वो भी ज़ीरो होगी अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली कहाँ इस्तेमाल करते हैं फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई ऐसा एक सेंसिटिव डिवाइस है घर में टेलीविज़न पड़ा है या हमारे पास कोई और एक अच्छा सेंसिटिव डिवाइस है हम उसकी इलेक्ट्रिकल शील्डिंग करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल शील्डिंग कैसे करते हैं हम उसके बाहर यों करके जंगला लगा देते हैं हम उसका आरन का फ्रेम बना के आरन के फ्रेम के अंदर रख देते हैं जब आयन का फ्रेम लगा देंगे इसका मतलब है अब हमने उस चीज़ को इलेक्ट्रिकली शील्ड कर दिया अब बाहर तो फील्ड हो सकता है लेकिन उसके इन साइड द एरन शील्ड एरन का वो जो जंगला है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा वो ज़ीरो होगा उस डिवाइस के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगी कोई इलेक्ट्रिक फ़ोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसमें डिस्टॉर्शन पैदा नहीं होगी आप इस पढ़ें इसको स्टडी करें अगर कोई प्रॉब्लम है कोई क्वेश्चन कोई चीज़ आपने क्वेश्चन पुट करना है कोई चीज़ समझ नहीं आ रही आप क्वेश्चन पुट करें मैं इंशाल्लाह आपको उसका प्रॉपरली आंसर दूंगा थैंक यू सो मच